My dear students, today we are discussing class 8 chapter 2 exponents introduction. ये टॉपिक आपने पिछले साल 7th क्लास में भी किया. 7th क्लास में आपने कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट किए. इस क्लास में 8th क्लास में हम इसके रूल्स भी पढ़ेंगे. सपोज दैट आपके पास नंबर है 10 × 10 × 10 × 10. इसको हम 10^4 भी लिख सकते हैं. अब इसमें 10 जो है वो हमारा क्या है, 10 जो है वो बेस है और 4 जो है वो एक्सपोनेंट्स है. 4 जो है वो एक्सपोनेंट है. अगर मान लो 10^4 की जगह यहाँ पर 10^-4 होता, तो अब इसमें हमारा बेस जो है वो 10 हो जाता और एक्सपोनेंट क्या हो जाता, -4. अब क्योंकि ये -4 है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल जो आपको याद रखना है, a^-m इज इक्वल टू 1/a^m. तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1/10^4 और 10 इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 × 10 × 10 × 10 × 10. तो इसमें आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/ जो भी नंबर है वो और साथ में पावर. तो ये नेगेटिव से किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में. देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नंबर वन है a^m × a^n. अब यहाँ पर दोनों में बेस जो है वो सेम है, a है, और पावर जो है वो अलग अलग है. इसकी पावर m है, इसकी पावर n है. तो आपको ये याद रखना है कि जब बेस जो है वो सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर जो है बेस सेम a ही रहेगा और यहाँ पे पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, m+n. एज एग्जांपल 2^5 × 2^3. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस जो है वो 2 है तो 2 ही रहेगा. 5 + 5 + 3 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2^8. सेकंड है आपका a^m / a^n. अब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. बेस हमारा सेम है a और पावर जो है वो अलग अलग हो गए, तो डिवाइड में पावर जो है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. a^m − n. एज एग्जांपल 4^5 / 4^3. तो यहाँ पर हो जाएगा बेस सेम है 4, 5 − 3 आपके पास आ जाएगा 4^5 और 5 में से 3 जाएगा 4^2. नंबर थर्ड ला है, अब हमारा बेस जो है वो अलग अलग है, a^m × b^m. अब इसमें हमारा बेस जो है वो अलग अलग है और पावर जो है वो क्या है, सेम है. तो हम बेस को आपस में क्या कर देंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे a^b^m. एज एग्जांपल 2^5 × 3^5. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अलग अलग है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है और पावर दोनों की सेम है. तो ये हो जाएगा 2 × 3 और पावर 5 ही रहेगी. तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6^5. नंबर फोर है a^m / b^m. अब यहाँ पे दोनों में बेस जो है अलग अलग है और पावर जो है वो सेम है, लेकिन डिवाइड हो रहा है. तो डिवाइड में हम क्या करते हैं a^m / b^m. ये आपको क्या हो जाएगा, a/b^m. एज एग्जांपल 5^5 / 3^2 = अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5^2 / 3^2. हम इसको लिख सकते हैं 5 बाय
थ्री, फाइव बाई थ्री की पावर टू, निकला है ए की पावर एम, ब्रैकेट बंद, पावर एन। अब बेस हमारे पास ए की है लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है, इस एम और एन। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एम जो है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई एन। एज एग्जाम्पल टू की पावर फाइव, ब्रैकेट में टू, ब्रैकेट बंद, बाहर पावर जो है वो टू है। तो यहाँ पे दोनों पावर को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू फाइव मल्टीप्लाई टू। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू फाइव टू जा टेन, तो टू की पावर टेन। नंबर सिक्स है हमारा, नंबर सिक्स है, जब भी किसी की पावर, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आता है, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये छः के छः ला आपको याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि अगर पावर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में ले लेते हैं। एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। और सपोज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हमारे को कोई बड़ी संख्या दी हुई हो, टू जीरो 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 जीरो, ये नंबर दिया हुआ है हमें। अब हम इसमें देखेंगे कि जीरो जो है वो कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसको हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये हमारा वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़, ये हमारा टू करोड़ है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें कितनी जीरो देखेंगे हम, टू मल्टीप्लाई वन के बाद कितनी जीरो है, सेवन जीरो, फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टेन की पावर, टेन की पावर सेवन। अब मान लो ये तो हमारे को कोई बड़ा नंबर दिया हुआ था, मान लो हमारे को कोई नंबर दिया हुआ है छोटा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर दिया हुआ है, जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री। इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम जीरो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू टू फोर सिक्स जीरो, थ्री अपॉन में ये कितना है, वन टेंस थाउजेंड, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैख। तो यहाँ पे छः जीरो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, थ्री अपॉन में टेन की पावर, टेन की पावर सिक्स, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, तो थ्री टेन की पावर माइनस सिक्स।